दादाजी। हाँ बेटा आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे क्या लेके आई है ये भाई? ओहो, ये लीजिए आपके लिए प्रसाद। दादाजी बहुत अच्छी खीर है। थैंक यू थैंक यू। मैं अपना प्रसाद ले लेता हूँ। अरे रिमझिम, एक मिनट। हाँ बेटा, एक काम करो कि ये वाली जो खीर है ना प्रसाद, अपनी नई वाली चाची को दे दीजिएगा। लेकिन दादाजी हमारे पास चाची के लिए प्रसाद है ना। तो कोई बात नहीं, हम ये वाला प्रसाद ले लेते। प्रसाद तो एक ही होता है ना, है? चल, और इसी कागज से ढक के देना। ओके दादाजी। ओके बेटा। नाइकी भाभी, आज समर भैया का मैच है, वो जल्दी निकलेंगे। हम उनके लिए नाश्ता बना रहे थे, लेकिन मालकिन जी ने कहा कि हाँ हाँ हम अभी तैयार कर देते हैं, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। अच्छा, मगर हम नाश्ता कैसे तैयार करें? अभी तक तो रसोई पूजन भी नहीं हुआ और हमें आता भी नहीं। कुछ गलत सलत हो गया तो, और कोई अपशगुन हो गया तो, हे भगवान हमारी मदद कीजिए तो रास्ता दिखाइए। छोटी चाची छोटी चाची, ये लीजिए आपका प्रसाद। रसोई पूजन की विधि एवं सामग्री। रिमझिम, भाभी जी समर भैया नहाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ हम बनाने जा रहे हैं, जब तक वो निकलेंगे तब तक तैयार हो जाएगा नाश्ता। बनाओ। हाँ, पहले पहले मीठा बनाना होता है। दोपहर के खाने के बाद हम सब मिलकर रसोई घर की सफाई करेंगे। अरे ये कैसे काट रही हो? सास मुंडी काट देगी, ऐसे टमाटर काटा जाता है? देखो ऐसे काटते हैं। अम्मा मुझे आता है, वो तो इस चाकू की धारी ठीक नहीं है, इसीलिए तो ऐसा कट रहा है। अरे क्या हुआ सवारो? कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा ज्यादा घिस दिया। अच्छा ठीक है, तुम गाजर को कस लो, और हाँ मेहमान जी के लिए जूस बना। अम्मा वो आज जूस नहीं पियेंगे, कल रात से ही उनका पेट खराब है। अच्छा
सासू माँ, हमें चकला बेलन, आलू और आटा चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा। समर को आलू के पराठे बहुत पसंद। छोटकी बहू, तुम जो चीजें मांग रही हो ना, उसमें से केवल दो चीजें ही हैं, और वो भी रसोई घर की सफाई करने के बाद। अगर रसोई घर में जरा सी भी गंदगी बची रह गई ना, तो दोनों चीजें नहीं मिली। समझी? जी सासू माँ। बोलो, अब कौन सी दो चीजें चाहिए? सासू माँ, आलू और आटा। ये क्या? वो समर जी, थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया तो ऐसा बन गया। जल्दी जल्दी का क्या मतलब? आप यहां मजाक करने के लिए? लाइफ में इस शक्ल का पराठा मैंने आज तक देखा नहीं, और जब आपको बनाना ही नहीं आता तो फिर बनाया क्यों? कालिंदी भाभी को बोल देती, और वैसे भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आज तक मेरा नाश्ता सिर्फ कालिंदी भाभी या गिन्नी भाभी बनाती हैं, तो प्लीज उन्हें ही बनाने दीजिए। समर जी, आप गुस्सा मत कीजिए, आप खुशी खुशी जाइए। आज इतना इम्पोर्टेंट मैच है, और आप हमारी वजह से नहीं, हम वापस से बना के ला। प्लीज, मेरे मैच के दिन ही मेरा मूड अपसेट करने के लिए थैंक यू। अब आप मुझे जाने देंगी? ये लो बेटा, बिना खाए घर से बाहर निकलना मना है। हमने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए, तुम्हें पसंद है ना हमारे हाथ से? नहीं मां, मुझे नहीं खाना।
अच्छा लो दही खा लो, दही खाने से जतरा बनता है।